कोरोना के कहर से पूरी दुनिया कराह रही है। भारत में समय रहते लॉकडाउन के लिए गए फैसले ने इस महामारी को फैलने से काफी हद तक रोका है। लॉकडाउन का फैसला लेने के बाद सबसे अधिक संकट ऐसे गरीब मजदूरों के लिए खड़ा हो गया जो रोज कमाकर अपना पेट और अपने परिवार का पेट भरते थे। ये लोग सबसे अधिक चिंता में थे, लेकिन प्रधानमंत्री के आह्वान पर, राज्य सरकार के निर्देश पर शासन प्रशासन पुलिस के अलावा तमाम समाज सेवी संगठन मदद को आगे आए, जिनकी कोशिश है कि कोई भी गरीब भूखा ना रहे। इसी तरह की एक खबर बिहार के सासाराम से आई है, देखिए रंजन कुमार की ये खास रिपोर्ट। सासाराम के फजलगंज स्थित बैंक कॉलोनी में निजी स्तर पर कम्युनिटी किचन चल रहा है, जिसमें रात दिन खाना बनाया जा रहा है। ये खाना गाड़ियों पर लाद कर उन मोहल्लों में पहुंचाया जा रहा है जहां लोग खाने के लिए राह देख रहे हैं। इस बृहद कम्युनिटी किचन का संचालन समाज सेवी प्रेम प्रकाश उर्फ छोटू कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिस दिन से देश में जनता कर्फ्यू लगा उसी दिन से वे लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसे लोग जिन्हें खाने पीने की दिक्कत है उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी संपर्क नंबर दिए हैं। सासाराम का कोई भी व्यक्ति जिसे भोजन की आवश्यकता हो वो फोन करे, सुबह व शाम दोनों टाइम का भोजन उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। इस विपत्ति की घड़ी में इस तरह के मानवीय सहयोग ने गरीबों को काफी राहत दी है। पिछले दो हफ्तों से गरीब लोगों को इसी तरह की मानवता का काम करने वाले लोगों ने भूखे नहीं सोने दिया। यहाँ प्रतिदिन 2000 से अधिक खाने के पैकेट होम डिलीवरी किए जा रहे हैं। इस अविश्वसनीय अकल्पनीय जो प्राकृतिक आपदा हमारे देश पे आई है, जिसके वजह से हमारा पूरा देश लॉकडाउन पे है, और इस लॉकडाउन की वजह से जो सबसे प्रभावित लोग हैं हमारे समाज के गरीब भाई, गरीब मजदूर, जो रोज मेहनत करके कमाते हैं, रोज खाते हैं, इसी क्रम में हमें भगवान ने जितना सक्षम बनाया है, हमारी कोशिश है कि हम उन गरीब भाइयों को आइडेंटिफाई करके उनके घर तक भोजन मुहैया कराएं, क्योंकि उनके भोजन की भी कठिनाई हो चुकी है हम लोगों की। तो हमारी कोशिश है कि हमारे गरीब भाइयों के घर तक भोजन मुहैया हो सके, और इसके लिए हमने पिछले 15 दिनों से ये मुहिम को चलाया है, और जब तक मेरी पूरी कोशिश है, भगवान ने हमें जितना सक्षम बनाया है, मैं कोशिश करूंगा कि जब तक ये लॉकडाउन रहे तब तक मैं इन भाइयों को मदद कर सकूं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।